क्या आप ज्यादा सॉल्ट खाते हैं? क्या आप नॉनवेज ज्यादा खाते हैं? क्या आपके खाने में कैल्शियम की कमी है, यानी कि आप दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स कम कंज्यूम करते हैं? क्या आप पूरे दिन भर में बहुत कम पानी पीते हैं? अगर ऐसा है तो पूरे चांसेस हैं कि आपको किडनी स्टोन्स बन सकते हैं। सो हाउ कैन वी प्रिवेंट किडनी स्टोन्स, आइए जानते हैं इस वीडियो। हाय, आई एम डॉक्टर नितिन श्रीवास्तव, आई एम अ यूरोलॉजिस्ट वर्किंग इन गुड़गांव। सो प्रिवेंशन ऑफ किडनी स्टोन इज इक्वली इंपॉर्टेंट इफ नॉट मोर देन द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर किसी मरीज को एक बार किडनी स्टोन होता है तो 50-70% चांसेस हैं कि वो अगले 5 साल में ये स्टोन दोबारा बनाता है। सो लेट मी गिव यू 10 टिप्स विच विल सेव यू फ्रॉम किडनी स्टोन्स। द फर्स्ट 7 टिप्स आर रिलेटेड टू योर डाइटरी हैबिट्स, द लास्ट 3 टिप्स विल बी अबाउट द चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल। नंबर 1, फ्लूइड इनटेक। आप पूरे दिन में कितना तरल पदार्थ लेते हैं? आइडियली यू शुड ड्रिंक अबाउट 3 लीटर्स ऑफ फ्लूइड्स इन अ डे। दिस फ्लूइड इंक्लूड्स एवरीथिंग, आप इसमें पानी, दूध, छाछ, लस्सी, वॉट एवर यू ड्रिंक, ये सारा कुछ मिला के रफली 3 लीटर एक दिन में आपका फ्लूइड इंटेक होना चाहिए। अगर ये इससे कम होता है, यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है, ये सॉल्ट्स प्रिसिपिटेट होकर किडनी स्टोन्स बना सकते हैं। अगर आपने आउटडोर एक्टिविटी करी है, ज़्यादा स्वेटिंग हुई है, तो ये 3 लीटर्स का 3.5 लीटर्स भी करना पड़ सकता है। इसमें एक कैच है, देर आर फ्यू पेशेंट्स जिनको फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट किया जाता है डॉक्टर की सलाह से, क्योंकि किडनीज या हार्ट की कोई ऐसी बीमारी है जिसमें ज़्यादा पानी नहीं पी सकते हैं, तो उन्हें अपना फ्लूइड इनटेक इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। नंबर 2, यू हैव टू इंक्रीज नेचुरल कैल्शियम इन योर डाइट। नेचुरल कैल्शियम का एक बहुत आसान सा सोर्स है मिल्क, दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें, जैसे कि छाछ हो गया, रायता हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, ये सारे नेचुरल कैल्शियम के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। इन्हें हमें डाइट में ज़्यादा लेना है, हो सके तो दिन में 2 बार लेना है। ये किडनी स्टोन फॉर्मेशन को कम करता है। 3, फाइबर। अगर आपकी डाइट फाइबर में रिच है, फाइबर मीन्स आपकी डाइट में इनफ सैलड और इनफ फ्रूट्स हैं, या आप 2 मील्स के बीच में कुछ फ्रूट्स और सैलड ले लेते हैं, दैट विल गिव यू इनफ फाइबर विच विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग किडनी स्टोन फॉर्मेशन। कोई महंगे या फैंसी फल खाने की ज़रूरत नहीं होती है, आप रूटीनली अवेलेबल फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा के अपना फाइबर इनटेक बढ़ा सकते हैं। 4, सॉल्ट इनटेक। आपको अपना सॉल्ट इनटेक भी रिस्ट्रिक्टेड रखना चाहिए। रफली 1-1.5 चम्मच का सॉल्ट एक दिन में अलाउड होता है। इससे ज़्यादा सॉल्ट खाने से स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ते हैं। इसका एक आसान तरीका ये होता है कि जो हाई सॉल्ट कंटेंट फूड आइटम्स हैं, आप उनका कंजम्पशन कम करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, पोटैटो चिप्स, नमकीन, अचार, पापड़, चीज़, इनमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। खाने में ऊपर से सॉल्ट डालने की हैबिट छोड़ दें। 5, नॉन वेजिटेरियन फूड। अगर आप ज़्यादा नॉन वेज खाने के आदि हैं तो किडनी स्टोन्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपको अपनी प्लेट में टोटल प्रोटीन का लेस देन 50% नॉन वेजिटेरियन फूड से लेना है। अगर हम इससे ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो किडनी स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका एक आसान तरीका ये होता है कि व्हेनेवर यू आर ईटिंग नॉन वेज, आपकी प्लेट में नॉन वेजिटेरियन फूड के साथ बाकी वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन भी होना चाहिए। से अगर आप चिकन खा रहे हैं तो साथ में देयर शुड बी सम बीन्स या कुछ पनीर या एक दाल, राइस, देयर शुड बी अ बैलेंस इन योर प्लेट। योर प्लेट शुड नॉट बी ओनली नॉन वेजिटेरियन फूड। 6, स्पिनच। सर्दियों में पालक बहुत ज़्यादा खाई जाती है, इसमें ऑक्सलेट कंटेंट अत्यधिक मात्रा में होता है एंड दिस कैन बी अ सोर्स ऑफ किडनी स्टोन फॉर्मेशन। सो पालक को आप रेगुलरली डेली खाने की आदत ना बनाएं, और अगर कभी लेते हैं कम मात्रा में लें, और जब भी लें पनीर के साथ या मिल्क प्रोडक्ट के साथ ही लें। 7, नट्स। एनी काइंड ऑफ नट्स इंक्लूडिंग पीनट्स एंड ऑल द ड्राई फ्रूट्स, ये सारे किडनी स्टोन्स का रिस्क बढ़ाते हैं क्योंकि इनमें ऑक्सलेट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इन्हें अपनी डाइट में बंद करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी एंड द पोर्शन। अगर आप रोज़ बादाम खाते हैं तो एक दिन छोड़कर एक दिन खाएं, हफ्ते में 2 दिन खाएं।
अगर आप एक बार में 10-15 बादाम खाते हैं तो 3 या 4 खाएं. जस्ट रिड्यूस द पोर्शन एंड रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी. नाउ वी विल कम टू द पॉइंट्स विच आर अबाउट चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल. सो 8th, रेगुलर एक्सरसाइज एंड वेट कंट्रोल. जब भी हमारा वेट एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होने लगता है, यूरिन में एसिडिक कंटेंट बढ़ता है, कैल्शियम कंटेंट बढ़ने लगता है और किडनी स्टोन्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. 9th, रिप्लेनिश योर सेल्फ आफ्टर एवरी टाइम यू हैव हैड एक्सेसिव स्वेटिंग. सपोज यू वर आउटसाइड फॉर अ मैराथन, आउटडोर आप काम पर थे, हॉट किचन में काम किया, ओवरनाइट हीटर चला एंड यू हैव लॉस्ट क्वाइट अ लॉट ऑफ वाटर थ्रू स्वेटिंग. सो यू विल हैव टू रिप्लेनिश दैट लॉस विथ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर. एंड लास्ट एंड प्रॉबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस मॉडर्न टाइम्स, रिड्यूस द जंक फूड इन योर डाइट. The fast food, junk food, they contain a huge amount of salt and carbohydrates, which are very bad for your health, and they also increase the chances of kidney stone formation. So these are the 10 tips which will help you in preventing the kidney stone formation. In 10 points ke alawa, ek bahut important point hai jo main aapko batana chahta hu, and that is unnecessary intake of supplements. इनमें कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जैसे कि विटामिन डी, विटामिन सी, कैल्शियम एंड प्रोटीन सप्लीमेंट्स, जिसको अगर हम अत्यधिक मात्रा में लेते हैं, विदाउट रिक्वायरमेंट लेते हैं, दे कैन इंक्रीज द चांसेस ऑफ किडनी स्टोन फॉर्मेशन. इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे एक अलग वीडियो. सो दीज आर दी कॉमन वेज टू प्रिवेंट किडनी स्टोन फॉर्मेशन. फॉर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स, you may need some additional changes in your diet, lifestyle, or maybe some medications. इसके लिए आपको एक urologist के साथ बैठ के अपना treatment plan discuss करना चाहिए, so that you have a plan according to your stone type. These kidney stones can be very painful, they can be dangerous and sometimes life-threatening too. So prevention is always better than cure. So if you have any query, you can connect with me on this number. The number is again given in the description as well, or you can comment in the comment box. I'll be very happy to answer. ऐसे और informative videos देखने के लिए do subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. Share this video with your friends and family to spread the correct information. You can also follow me on social media. You can find the links in the description. फिर मिलेंगे एक नए video में नई information के साथ. See you soon.